हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो हमें क्या बोला है, पहले तो हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो हमें बताना है, हमें प्रेजेंट एजेस बतानी है कि अगर दो दोस्तों की एज को हम प्लस करते हैं, सम करते हैं उन दोनों की एज को, तो क्या आता है, 20 इयर्स आता है। और अगर हम 4 साल पहले उन दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोडक्ट आता 48। तो अब हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो ये हमारा दो दोस्त हो गए, एक ए है और एक क्या है, बी। अब अगर हम इन दोनों की एजेस को प्लस करें तो क्या आएगा, 20 इयर्स। और अगर इन दोनों की एजेस को 4 साल पहले मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता 48 ईयर। तो अब हमें बताना है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो हमें एज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्योंकि दो दोस्त हैं तो फर्स्ट फ्रेंड की एज लेट कर लेंगे। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज ए, हमने ए लेट कर ली। अब एक्स वाई बी सी जो भी लेट करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, क्योंकि उसका दूसरा भी फ्रेंड है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या जाएगी, हम कर लेंगे 20 माइनस ए। मैंने यहाँ पे 20 माइनस ए क्यों करी, अगर आपका आपके आप दो दोस्त हो, एक की एज है 15 साल और दूसरा कहता है कि मैं तेरी एज से 2 साल छोटा हूँ, तो यानी कि 15 माइनस 2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे दोस्त की एज क्या है, 13। तो ऐसे ही अगर एक फ्रेंड की एज ए है तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस ए। हमें पता चल गया दूसरे की एज क्या है, 20 माइनस ए। आप हमें बोला है कि सम ऑफ देयर एजेस इज 20, तो सम था उनका, लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, 4 साल पहले का प्रोडक्ट। तो 4 साल पहले यानी कि माइनस होगा ए माइनस 4, और 20 माइनस ए में से भी 4 साल पहले का प्रोडक्ट क्या होगा, 48 ईयर। यानी कि अगर ए के पहले दोस्त के 4 साल पहले की एज ए माइनस 4 और दूसरे दोस्त की एज थी 20 माइनस ए, इसके भी 4 साल पहले यानी कि माइनस 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 48। अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ देखो ए इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ए। ए इंटू माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। ए इंटू, अब यहाँ देखो ए इंटू माइनस 4, आप ऐसा कर सकते हैं, ए इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 4 ए, और देखो 4 इंटू माइनस का 20 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 80, और माइनस 4 इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस का 4 ए, और माइनस 4 इंटू माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 48। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब देखो 20 ए और 4 ए सेम है, हम यहाँ लिख लेंगे, पहले तो ये प्लस का है ये माइनस का है, इन दोनों क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 20 ए माइनस ए स्क्वायर माइनस का 80 माइनस का 80 हाँ प्लस का 16 इज इक्वल टू 48। ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 80 माइनस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 4 और 6, यहाँ आ जाएगा माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। अब माइनस का 64 है, हम इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा 20 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस का 64, क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस का हो गया तो प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 20 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 112। अब क्या करेंगे, पहले तो अपनी कॉन्स्टेंट टर्म को इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। मैंने कॉन्स्टेंट टर्म को इधर इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म 0 के लेफ्ट साइड होती है। अब हमारा ए एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव नहीं रखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ ये ए स्क्वायर अगर 0 की साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस 20 ए 0 की साइड, प्लस का 20 ए 0 की साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 20 ए माइनस का 112 0 की साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 112। यहाँ पे आप देखो हमें क्या मिल गई, यहाँ पे हमें मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है,
ये रही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम इसे यहाँ पे यूज करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो ए की वैल्यू है यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 112, ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 112, ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर, क्या होगा 20 का स्क्वायर होता है 400 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो 112 इंटू 1 क्या हो जाएगा 112 और 112 इंटू माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा, माइनस का 448। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 400 है, ये माइनस का 448 है, तो 448 में से 400 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 48। तो डी इज इक्वल टू 48 और साइन किसका लगेगा, जो बड़ी टर्म है, तो माइनस का आ जाएगा। अब जब भी हमारी डी माइनस में होती है, जब भी हमारी डी की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हमारी कोई रियल रूट्स है ही नहीं। जीरो और जीरो से छोटी वाली जितनी भी टर्म होती हैं, तो उसका मतलब होता है नो रियल रूट। अब यहाँ पे हमें रूट तो फाइंड करनी नहीं है, हमें एज निकालनी है, और यहाँ पे हमें एज माइनस में आ रही है, तो माइनस में, तो अगर देखो यहाँ पे जीरो से छोटी वाली डिजिट आ रही है डी, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट, तो यहाँ पे कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां लिख लेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसे सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।